सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज आए सीएल टीवीएस और आज यहाँ देखो इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, एक्सपी एंड एक्सटी वर्जन। तो बेसिकली हमारे पास अभी दोनों अवेलेबल हो गया, एंटॉक 125 एक्सटी जो अभी जस्ट लॉन्च हुआ एंड एंटॉक रेस एक्सपी जो फास्टेस्ट बताया गया। तो आज हम लोग कंप्लीट आपको सारा कंपैरिजन देंगे इन दोनों के बारे में कि क्या इन दोनों का आपको ये पड़ रहा है, मतलब क्या क्या चेंजेस है। बाकी आप लोग ऊपर से तो देख ही सकते हो, कंप्लीट बाइक कंप्लीट स्कूटर ही न्यू चेंज है और क्या क्या नया एडिशनल इसमें फीचर डाला गया। तो वीडियो के एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई और हमें 100 के करवा देना। बाकी इसका हम लोग अभी कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ मैं बोलूँगा, इसका रिव्यू या तो चैनल पर आ गया होगा या तो इस वाले वीडियो के बाद आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हॉट टॉपिक है भाई, दोनों बाइक दोनों स्कूटर्स एक्सपी एंड एक्सटी। तो सबसे पहले आप लोग ग्राफिक वगैरह देखो, हालांकि डिज़ाइन फ्रंट से दोनों का ही सेम है कंप्लीट। इसमें भी आपको सिग्नेचर जो कंप्लीट लाइट मिलता है फ्रंट का एलईडी एंड सिग्नेचर जो डीआरएल है वो आपको दोनों में दिया गया है। और इनफैक्ट आप जो एंटॉक का लोगो वगैरह देखोगे साइड में जो दिया हुआ है उनका सिर्फ कलर चेंज है, क्योंकि कलर इसका रेड एक्सपी जो वर्जन है ये अभी रेड और ब्लैक में ही आता है एंड एक्सटी जो है वो हमारे पास नियॉन एंड मैट पर्पल पे ही आया। तो दोनों का आप देख सक रहे होगे भाई, दोनों में फ्रंट में आपको डिस्क प्रोवाइडेड है। और सबसे बड़ा चेंज फ्रंट से शुरुआत करेंगे तो सबसे बड़ा चेंज इन दोनों के एलॉय का है। एलॉय डिज़ाइन आप लोग देखो, उसका कंप्लीट रेड कलर का एलॉय है, इसका कंप्लीट ब्लैक एलॉय है। और एलॉय डिज़ाइन देखोगे दोनों में 180 का टायर है, 100x80 12 इंच का एलॉय है और फ्रंट में डिस्क है, टेलीस्कोपिक फोक है। इनका एलॉय डिज़ाइन आप देखो एंड अब अभी उसका एलॉय डिज़ाइन देखो, थोड़ा सा डायमंड कट टाइप में आपको एलॉय डिज़ाइन दिया हुआ है। और बाकी ये तो फ्रंट का हो गया। उसके बाद फीचर्स के मामले में बात करें तो हमारा एंटॉक एक्सटी वर्जन में आपको इंटेलिगो फीचर प्रोवाइड है। तो आप देखो यहाँ पे टीवीएस इंटेलिगो फीचर आपको दिया हुआ है। बाकी आपको रेस एक्सपी में एज सच इंटेलिगो फीचर वगैरह नहीं दिया जाता है। तो कंप्लीट समझ जाओ ये एक नया अपडेट है इस वाले वर्जन में कि आपको इंटेलिगो फीचर दिया हुआ है, जिसके कारण अगर आप लोग जाम वगैरह ट्रैफिक वगैरह में ज़्यादा देरी अपनी बाइक को स्टार्ट रखते हो स्कूटर को स्टार्ट रखते हो और फंसे रहते हो तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, उसके बाद थ्रॉटल देने के बाद ही स्टार्ट होगा जस्ट एज अ ऑटो ऑन ऑटो ऑफ। और इंटेलिगो फीचर के कारण आपको ये वाले मॉडल में जो एक्सटी मॉडल है उसमें आपको यहाँ पर देखो ऑटो ऑफ ऑटो ऑन का बटन दिया हुआ है, किल स्विच कम्प्लीट हटा दिया गया। और किल स्विच देखो आपको इस वाले मॉडल में नज़र आएगा एक्सपी वर्जन में, यहाँ पे देखो आपको किल स्विच नज़र आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस है भाई कि आपका इंटेलिगो फीचर उसमें आया तो इसमें आपको किल स्विच वगैरह नहीं मिल रहा है और इसमें आपको इंटेलिगो फीचर नहीं है तो इसमें आपको किल स्विच मिल रहा है। बाकी नेक्स्ट दोनों में आपको स्मार्ट एक्स कनेक्ट है जिससे आप अपना डायरेक्शन वगैरह देखो मैप वगैरह और कॉल नोटिफिकेशंस वगैरह जो आपको डिस्प्ले में आएगा, लेकिन जो इन दोनों का डिस्प्ले है वो काफ़ी ज़्यादा अंतर कर दिया गया। इसमें आपको सिंगल देखो सिंगल एक डिस्प्ले मिल रहा है एंड उस वाले में आपको डुअल डिस्प्ले मिल रहा है, एक एलसीडी एक एंड एक टीएफटी भी प्रेजेंट है। और इसका जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट है, इसका जो ब्लूटूथ का फीचर है वो एडवांस है भाई इससे, क्योंकि इसमें आप बस जीपीएस एंड कॉल नोटिफिकेशन देख सकते हो, लेकिन इस वाले मॉडल में जैसा मैंने अपने रिव्यू में बताया था, जैसे मेरे को बताया गया था, आप सोशल मीडिया हैंडलिंग भी इसमें आप देख सकते हो, लाइक आपको न्यूज़ वगैरह भी देख सकते हो। अगर क्रिकेट फुटबॉल का स्कोर कार्ड आपको देखना है तो स्कोर वगैरह भी आपको डिस्प्ले कर जाएगा मीटर पे, लेकिन वो आपको फ़ोन कनेक्ट करना होगा। और कनेक्शन अभी हम लोगों ने किया नहीं था क्योंकि आज संडे है तो आज उतने ज़्यादा एम्प्लॉय है नहीं प्रेजेंट, आज ही वीडियो शूट करें। इन फ्यूचर अगर हम लोग इसका ब्लूटूथ वाला दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, फिलहाल अभी आप लोग को मीटर दिखाते हैं पहले। तो पहले पुरानी वाली रेस एक्सपी का मीटर देख लो आप, कंप्लीट मीटर आपको कॉल नोटिफिकेशंस वगैरह यहाँ पे आया, हेलो रेसर लिखा के आएगा, हेलमेट रिमाइंडर आएगा एंड ये बेसिक सा है। क्योंकि बेसिक सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब तक ये लॉन्च हुआ था तब तक ये नया मीटर था इसका भाई, ब्लूटूथ पेयर मोड वगैरह टीवीएस वगैरह आपको इसका मॉडल लिखा के आ रहा है एंड इनफैक्ट इसमें आप रुक जाओ ये वाला हटेगा मेरे ख्याल से लॉन्ग प्रेस करने से, हट जा भाई क्यों नहीं हट रहा है ये, चलो एनीवेज। बाकी इसमें आपको स्पोर्ट्स मोड एंड स्ट्रीट मोड दोनों दिखता है और काफ़ी बेसिक सा आप देख सकते हो इसका मीटर है। और वॉइस कनेक्ट है इसमें, आप लॉन्ग प्रेस करोगे जिसमें वॉइस कनेक्ट कर सकते हो। और जो नया वाला मीटर है हमारा, नया वाले मीटर का क्या ही तारीफ करूँ भाई, जो दोनों आप देख सकते हो डिजिटल दिया हुआ है, एक LCD एक TFT में दिया हुआ है। तो यहाँ पर वो कम्प्लीट आया, यहाँ पर हाई राइडर लिखाएगा जिस यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो इनफैक्ट। और यहाँ पे भी देखो हेलमेट रिमाइंडर दिखा रहा, ओडो वगैरह दिखा रहा, फ्यूल गॉज वगैरह, स्पीडो वगैरह। और
इसका जो स्पीडोमीटर है ना स्पोर्ट्स मोड में वो थोड़ा सा RR310 से सेटिस्फाइड लग रहा है ये वाला मीटर। अब बाकी इसके आप एक प्रेस करके बैटरी स्टेटस लास्ट लैप बेस्ट लैप स्ट्रीट मोड में मतलब इसमें आप एडवांस लेवल का देख सकते हो ब्लूटूथ फीचर एंड डिस्प्ले मीटर जैसे उसमें दिया है और इनफैक्ट इसमें भी वॉइस असिस्ट दिया हुआ है। बस आपको इसमें किल स्विच नहीं मिल रहा, ऑटो ऑफ ऑटो ऑन का बटन मिल रहा है यहाँ देखो और उसमें आपको किल स्विच का ऑप्शन दिया हुआ है। बाकी हज़ार्ड इंडिकेटर दोनों में, तो एक बार फ्रंट लुक दोनों का दिखा देते हैं आप लोगों को। फ्रंट लुक एक बार आप दोनों का देख लो भाई। ये वाली अभी स्टार्ट नहीं थी, हम लोगों ने स्टार्ट करवाया इस वाले मॉडल को कि वीडियो बनाना है भाई। एक जैसा देखो फ्रंट मॉडल फ्रंट लुक देख लो आप लोग दोनों का। कलर स्कीम्स इसके ज़्यादा चंकी और ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे क्योंकि नियॉन कलर बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है एज़ कम्पेरेबल टू रेड वन। और बाकी हम लोगों ने कम्प्लीट फ्रंट सेक्शन का आप लोगों को डिस्प्ले बताया, डिफरेंस बताया। कलर सेगमेंट का बहुत खास रोल है, कलर सेगमेंट बहुत ही तगड़ी डिस्प्ले किया गया। ऐसा आप देखोगे साइड में बंद करते हैं और कलर सेगमेंट का बहुत ही तगड़ा रोल है क्योंकि यहाँ देखो कंप्लीट रेस एक्सपी का आपको दिखेगा और उस साइड में देखोगे तो एंटॉक का कंप्लीट एक्सटी का दिखेगा। ऑपोजिट साइड से एक बार दिखाते हैं आपको, सिल्वर फिनिश है, सिल्वर एंड रेड एंड ब्लैक, तो मैट ब्लैक यहाँ सेटअप आप देख रहे हो कंप्लीट। और इसका भी सिल्वर नहीं सॉरी इसका मैट पर्पल एंड नियॉन फिनिश है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो सब कुछ। एंटॉक 125 XT, एंटॉक 125 रेस XP। और एक और चीज़, इसके जो फैंस है ना वो देखो आपको नियॉन कलर में दिख रहे होंगे, यहाँ पे फैंस इसका नियॉन कलर में दिया गया एंड इसका जो फैन है वो आपको रेड कलर में मिल रहा है। बाकी दोनों का रेयर सस्पेंशन भी मोनोशॉक आपको दिया हुआ है, रेयर टायर भी दोनों का सेम है, 110/80 का 12 इंचेस का एलॉय, इसका डायमंड कट टाइप का एलॉय दिया हुआ है एंड इसमें रेयर में ड्रम ब्रेक है। बाकी ये वाला मॉडल आप देखोगे तो इसमें 110/80 का एलॉय दिया हुआ है, टायर दिया हुआ है 12 इंचेस का एलॉय कंप्लीट ब्लैक एलॉय और इसमें भी आपको रेयर में ड्रम ब्रेकिंग्स दिए हुए हैं। बाकी बात एक बार स्टार्ट करते हैं, रेयर आपको दिखाते हैं दोनों का कंप्लीट। अब रेयर देखो भाई, दोनों का रेयर आपको सेम दिखेगा रेयर पोर्शन। और बाकी बात इस पोर्शन पे भी देखोगे तो कलर सेगमेंट वगैरह आपको जैसा दिया हुआ है, तो सबसे बड़ा चेंज था इनका रिगार्डिंग द इंटेलिगो फीचर्स से अपडेट, मतलब इस मॉडल से इस मॉडल इंटेलिगो फीचर्स अपडेट हुआ एंड उसके बाद डुअल डिस्प्ले अपडेट हुआ, उसके बाद एलॉय का डिज़ाइन चेंज किया गया। तो ये तो कंप्लीट भाई वॉक अराउंड डिस्प्ले हो गया। बाकी देखो मैंने नोट किया है क्या क्या डिफरेंस है, क्योंकि सबसे पहले देखो हम लोग आपको इंजन वगैरह के बारे में बताते हैं। तो इंजन सबसे ज़्यादा एडवांस, आपको एडवांस इंजन क्योंकि सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट बताया गया था एंटॉक रेस एक्सपी को विथ एक्स्ट्रा पावर, सबसे ज़्यादा फास्टेड है और काफ़ी अच्छा इसका टॉप स्पीड भी है, मेरे को अभी ध्यान में नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताओ, आप लोग जितना कमेंट कर ही सकते हो। और एंटॉक XT का टॉप स्पीड वगैरह कितना है, लेकिन जितना भी होगा भाई XP से कम ही होगा, एक्स्ट्रा पावर वाले से ये रेस XP से कम होगा क्योंकि इसे ही फास्टेस्ट बताया गया था एंड इसे इसके थोड़ा सा मतलब कि स्पीड कम है क्योंकि पावर एंड टॉर्क में अंतर है। तो इंजन को डिफाइन करें तो दोनों का ही आपका 124.8 cc का इंजन है, सिंगल सिलेंडर 3-वाल्व एयर कूल इंजन। पावर की बात करें तो पावर हमें सबसे ज़्यादा मिलता है भाई एंटॉक रेस XP में, इनका पावर है अराउंड 10.2 PS का एंड 10.8 आपको न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जबकि एंटॉक XT का पावर का बात करें तो 9.38 PS का पावर एंड 10.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दिख रहा है भाई इसमें। तो दोनों आप समझ सकते हो पावर एंड टॉर्क का अंदर है। फिर दोनों में आपको सेम 5.8 लीटर्स का टैंक कैपेसिटी मिलता है, ब्लूटूथ फीचर दोनों में, लेकिन ब्लूटूथ आपको XT में एडवांस है जैसा मैंने बताया, आप लोग पॉपअप वगैरह करेगा कॉल वगैरह सोशल हैंडलिंग वगैरह न्यूज़ वगैरह, तो वो आप लोग को जब ब्लूटूथ वाली वीडियो बनाएंगे ना तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी तो फिलहाल सॉरी आज की वीडियो में ब्लूटूथ का उतना कनेक्शन वगैरह नहीं है। फिर एलॉय हम लोगों ने बताया चेंज है, फिर मीटर चेंज बताया, इंटेलिगो फीचर इसमें ऐड ऑन है, एक में आपको किल स्विच मिल रहा है, एक में आपको किल स्विच नहीं मिल रहा, फिर एक में आपको इंटेलिगो फीचर मिल रहा है, एक में आपको इंटेलिगो फीचर नहीं मिल रहा है एंड इंटेलिगो फीचर के लिए ऑटो ऑन ऑफ बटन आपको दिया हुआ है XT में एंड XP में ऐसा सच कुछ नहीं है, ग्राफिक का अंतर है एंड XP हमारी फास्टेस्ट है। तो चलो अब प्राइस वगैरह पूछ के बताते हैं दोनों का क्या प्राइसिंग पड़ रहा है। देखो डेफिनेटली भले ये इसका टॉप स्पीड ज़्यादा है रेस XP का, सिर्फ इंजन आपको एडवांस है, लेकिन जितना फीचर्स एडवांस आपको एंटॉक XT में है ना वो आपको XP में नहीं मिलेगा। तो XT की बात करें तो हमें 1,06,000 मतलब 1,06,267 रुपीज़ हमें मिल रहा है एक शोरूम एंटॉक रेस XT गिरिडीह में, एंड जो एक शोरूम आपका एंटॉक रेस XP का है वो है 798,322, तो 7,945 रुपीज़ का आपको डिफरेंस है। अब आप लोग इतना
कम पे करके या तो स्पीड का इंजॉयमेंट लो, उतना एडवांस मीटर वगैरह ना लो, और या तो आप उतना एक्स्ट्रा पे करके आप लोग कंप्लीट एडवांस मीटर एंड कंप्लीट न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू मशीन, न्यू ग्राफिक लो। तो अब आप लोग देख लो भाई, आप लोगों को क्या करना है, अब इसमें आप लोग का चॉइस है भाई। मैं बोलूँगा तो अट्रैक्टिव के मामले में ज़्यादा नया वाले अट्रैक्टिव लग रहा है। एंड एक बार आप लोग किसी को बोलोगे ना कि भाई स्कूटर में दो डिस्प्ले आ रहा है, एक LCD है एक LED है, तो कोई मानता नहीं है। तो मैं बोलूँगा ये वाला ज़्यादा अभी चल रहा है ट्रेंड पे। बाकी बात आप RaceXP RaceXT हम लोगों ने दोनों कंपेयर कर लिया, प्राइस वगैरह बता दिया, और दोनों बाइक स्कूटर अवेलेबल है CL TVS ग्रेडी में। तो चलो हम लोग वीडियो करते हैं एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हमारा कंपैरिजन कैसा लगा तो आप लोग बताना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, और हाँ भाई 100K करवा दो हमारे प्लीज़।